दीदी देखो एकदम झूम गई है, इनके साथ खींच लेंगे अगर प्यार तो। Oh my God. हेलो गाइस, दिस इज रागनी कनौजी। अब 15 साल बाद मैं फिर से चिड़ियाघर आई हूँ और यहाँ पर अब टिकट भी मिलने लगी। पहले तो ये फ्री था, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ टिकट लेने में जा रही हूँ और पता करती हूँ कि क्या प्राइस है टिकट का, तो मैं आपको भी बताऊँगी। तो 70 रुपीज़ प्राइस है टिकट का और टिकट मैं ले चुकी हूँ। तो अब चलते हैं अंदर की ओर और आपको बताते हैं कि अंदर कैसा क्या है। आपको एक बात मैं और बता दूँ कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता, पर फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना के दूँ। तो अंदर की ओर जाते हुए सबसे पहले मुझे यहाँ पे झूले दिखे हैं, तो अब झूले दिखे हैं तो झूलेंगे जरूर। तो अब झूले झूलने के लिए मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ और देखती हूँ कैसा। मामी आपको नहीं मिला झूला? आपको नहीं मिला झूला? आओ बेटी, डरते हुए आओ, डरते आओ, तो एक बार आओ आओ आओ। भैया भी आ रहा है, आओ हम भी आ रहे हैं पीछे से आओ। झूला नीचे से टूटा है इसलिए मुझे भी काफी डर लग रहा है, बट फिर भी बच्चे की हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं झूले पे चढ़ी और यहाँ मेरे चेहरे में कितनी खुशी दिख रही है, पर बहुत डरी हुई हूँ अंदर से। और आप देख सकते हैं, हाँ फाइनली हुआ क्या कि मैं बच गई, मेरे कपड़े फटने से बच गए। हाँ। वो नहीं हुआ मेरे साथ। और ये दूसरा झूला है यहाँ, तो मेरे साथ बहुत ही गलत हो गया, पता ही नहीं चला कि मैं कब झूलते झूलते नीचे गिर गई और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। गिरने के बाद मैं सीधे आई इस झूले पे और सोचा कि यहाँ पर आके थोड़ा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि ये झूला सबका फेवरेट होता है। तो बस यह झूलने के बाद में फिर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी फीलिंग आई, और इसके बाद में फिर मैंने सबकी वीडियो बनाई एक एक करके झूले की। और ये देखो जू में कितना मस्ती करते हुए दीदी, और ये देखो ये अंदर से बाहर, ये गई ये गई ये आई, ये देखो सन्ना दीदी को सलोन। सन्ना दीदी कैसे? ये देखो कूद गई, ये आई हमारी चल दीदी, ये पापा 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 ये हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर। टन 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 तारा। वीडियो में थोड़ी सी आपको मेरी बहन की ओवर एक्टिंग भी झेलनी पड़ेगी। और ये चिड़ियाघर के अंदर गाड़ी चलती है, जो मतलब पैर थक गए और आप चल ना पा रहे हो तो आप गाड़ी बुक कर सकते हैं और इससे पूरा चिड़ियाघर पे घूम के एंजॉय कर सकते हैं। और इतना चलने के बाद अब हमें मिला देखने को भालू। ये मेरा पहला जानवर जो अभी तक हमने चिड़ियाघर पर देखा है। और भालू आप देख सकते हैं कितने पास से हम लोगों ने उसको देखा और काफ़ी मूव कर रहा है, काफ़ी खुश हैं हम लोग उसको देखकर। फ़ोन का मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ तो काफ़ी, ताकि मैं सारी वीडियो कैप्चर कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ अंदर आइए और देखते हैं कि अंदर अब मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर अंदर आए तो आप देख सकते हैं ये पर्दा है, कितना ज़्यादा आलिशान और लग्जरी पर्दा है। आप देख सकते हैं मन खुश हो गया भाई इसको देखकर। अब अंदर जाने के बाद अब यहाँ पर सोचा था कि कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ लग रहा नाराज़ होना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। और सच में यार स्मेल यहाँ पे इतनी बेकार आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा से, आई थिंक ये सारा से ही है, हाँ तो सारा से यहाँ पर देखने को मिले हैं। और पानी गंदा होने के कारण यहाँ कुछ लोगों ने नाक बंद कर रखी है अपनी, पर ठीक है। लोग भी अपना खाना ना ले के आइए, क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबी होगी। और उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो आप तार आर देख रहे हैं इसमें काफ़ी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, इसको काफ़ी फील कर रही हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा फ़ोटोशूट करा लेते हैं सब लोग मिलकर, तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटोशूट करेंगे। और फ़ोटोशूट करने के बाद अब मैं घूम चुकी हूँ तो अब यहाँ एग्ज़िट की ओर चलेंगे। और एग्ज़िट के समय भी वही सेम पर्दा आलिशान, और एग्ज़िट होने के बाद में अब मैं आगे की ओर बढ़ेंगे और जानवर देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सब लोग एक्साइटेड है कि अब और क्या देखने को मिलेगा। तो अब बाहर की ओर आपको ले चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। हाँ तुम तो बिल्कुल सलमान खान हो, ये लो।
अब फिर हमें गेंडा देखने को मिला और इसको अभी अभी चारा दिया गया है तो बहुत मन से ये खाना खा रहा है और इसको देख के भी काफ़ी खुशी मिली। जो इसकी खाल बहुत मोटी है और लग रहा काफ़ी पुराना ये है गेंडा, तो अब इसको देख के सब हेलो आए भी कर रहा है। मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ कि ये और पास से देखने में आपको कैसा लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि पास से देखने में ये कैसा लग रहा है। मेरी बहन का एक प्रॉब्लम और है, ये हमेशा फ़िल्टर लगा के ही वीडियो बनाती है। अब देखो वीडियो बनाने को बोला तो उसमें आपको ढेर सारा आपको फ़िल्टर देखने को मिल रहा होगा और ये फ़िल्टर वाली ही वीडियो लग रहा बनाना इसको आता और कोई आता ही नहीं बनाना। अब चलो वो सब चलो हटा देते हैं, गलत देख रहे हैं। इन सबको एक चीज़ देखने के लिए नहीं मिली है उसका केवल अभी तक हम लोग दो जानवर देख पाए और इतना ज्यादा थक गए हैं कि अब बिल्कुल आगे जाने का मन नहीं कर रहा, बस ये लग रहा कि घर चले जाएं और अब नहीं घूमना है। पर अभी हम लोगों ने शेर एर चीता ऐता कुछ भी नहीं देखा, तो बहुत कुछ देखना बाकी है, तो चलो आगे की ओर हिम्मत बना के चलते हैं। अब कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा जिससे हमारी सारी थकान खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या हमें रिलैक्स मिलेगा, तो आप देख सकते हैं आपको दूर से देखने में दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पर भालू देखने को मिला है। और जो भालू है वो मैं आपको थोड़ा पास करके दिखाती हूँ जूम करके, तो मैंने जूम किया तो आप जूम करके देख सकते हैं कि भालू जूम करने पर कैसा दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ भालू हमें बैठे हुए नहीं दिखा है, चलता फिरता दिख रहा है और बहुत शांति से चल रहा है, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसा है। और अभी भालू थक जाएगा तो थकने के बाद में जाके भालू एक जगह कैसे बैठता है जाके आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई एक टेडी बियर ना बैठा उसे हम बिल्कुल उसी के तरह बिल्कुल आराम से बैठता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जगह क्योंकि हमें और भी जानवर देखने हैं, तो वहाँ चलते हैं। अब कुछ ऐसा हम लोगों को देखने को मिला जिसको देखने के लिए हम लोग चिड़ियाघर के अंदर आए थे स्पेशली, तो आप देख सकते हैं कि वो है तेंदुआ। तेंदुआ मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तेंदुए हैं। और तेंदुए इस चिड़ियाघर के अंदर हमें कई सारे देखने को मिले थे अलग अलग जगह पे, तो तेंदुए आराम से यहाँ पर बहुत आराम से आप बहुत सारे देख सकते हैं। पर इसको ढूंढने में हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा था, इधर से उधर उधर से उधर, तो उस बीच में हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो हाँ आप तेंदुआ देख चुके हैं, अब देखो यहाँ पे ये स्मार्ट बॉय कुछ कर रहा है और यहाँ मेरी बहन थक चुकी है ढूंढते ढूंढते, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था हम लोग को तेंदुआ ढूंढने में। तो अब यहाँ से जाने के बाद में हम लोग देख ही सकते हैं पूरी तरीके से थक चुके हैं। सारे लोग हैं, इनको देखो सो रही हैं, वो फोटो सेल्फी ले रही हैं, मामी को तो वॉमिटिंग हो रही है, मामा रिलैक्स फील कर रहे हैं, रौनक बैठा हुआ है, इतना ज्यादा थक गए कि सबका मन हो रहा है कि मैं यहाँ पे लेट जाऊं। चुके हैं, पसीना निकल आया है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसीलिए सब लेटेड गए हैं, आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग चिल करेंगे, इन्जॉय करेंगे और उसके बाद में हम लोग और आगे चलेंगे कि और जानवर को देखने के लिए। तो चिड़ियाघर में यही है कि आप भी जब भी घूमने जाएँ तो अपने साथ में कुछ खाने पीने के लिए लेके जाएँ और आराम करते हुए देखें। यहाँ पर सब इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने में बिजी हैं, कोई पानी पी रहा तो कोई उछल रहा है, किसी को ना ही कोई फ़ोटोशूट कराना है ना ही किसी को कुछ वीडियो बनवाना, सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अब थकने के बाद में आराम करने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आपको और बड़े बड़े जानवर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ का जो पार्क है कितना अच्छा बनाया गया, यहाँ फुहारे चल रहे हैं ताकि देखने में और लोगों को अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ जानवर देखने को मिले। अब हम लोग चलते थोड़ा और आगे की तरफ और जानवर देखने। तो यहाँ पर देखिए आप, मेरी बहन दोनों आराम कर रही हैं यहाँ पर और हम लोग आगे तरफ चलते हैं। इस चिड़ियाघर के अंदर आपको ट्रेन भी मिलेगी, आप चाहें तो ट्रेन से भी पूरा चिड़ियाघर घूम सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कैंटीन है, अगर आपको भूख लगती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं कुछ भी। और साथ ही साथ बीच बीच में पानी भी आपको मिल जाएगा, आप पानी भी यहाँ ले सकते हैं। और स्टंट करने के लिए भी आपको मिलेगा अगर आप स्टंट करना चाहते हैं, बस ये है कि हाँ उसका एक अलग अपना प्राइस होगा। और इसके साथ ही साथ कुछ अलग से भी झूले हैं पर उनका एक अपना अलग चार्ज है। बहुत सारे बारहसिंगा आपको दिख रहे होंगे जो देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मतलब एक दो नहीं है। और आप देख सकते हैं कि सब कितना खाने कुछ खा रहे हैं, ये लोग खाने पीने में बिजी हैं, तो हम आपको वही जूम करके दिखा रहे हैं।
यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपनी बहन के साथ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पीछे छूट चुके हैं, तो उनका हम वेट कर रहे हैं। तब तक हम लोग थोड़ी गपशप कर लेते हैं। तो सब लोग जब आ जाएंगे तो उसके साथ ही हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि चिड़ियाघर बहुत ज़्यादा बड़ा है और खोना कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग आराम से खो सकते हैं। तो उनका वेट कर लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग साथ में। पानी पियेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं और अलग अलग कलर की हैं, और उसके साथ साथ आप इनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। मैं आपको उनकी आवाज़ सुनाती हूँ। हो सकता है पिंक कलर का हो। क्या पिंक कलर? यहाँ सब नाखुश होते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। अब हम लोग चिड़ियाघर के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को दो तीन जगह और जाके घूमना है, मंदिर जाना है और भी दो जगह जाना है। तो इसलिए बस आपके लिए इतना ही, और आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।